we are going to learn how to find the minor of an element, the case of determinant of order 2. एक determinant है एक order 2 की. पहली चीज आपको मैंने बता रखा था matrix में element are denoted by small letters. Okay, and matrix is denoted by A. And matrix के जो element होते थे represent कैसे करते थे A, I, J. I stand for row and J stand for column. Suppose एक matrix ले लेते A, इसी को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं 2 -1 3 4. नाउ दिस अगर इस एलिमेंट को डिनोट करना कैसे डिनोट करें, दिस इज एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम दैट इज a 1 1 2 एंड दिस इज एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम. वैसे ही हर एक एलिमेंट के माइनर होते हैं एंड माइनर इज डिनोटेड बाई m आई जे. एलिमेंट को हम लोग डिनोट कर रहे हैं किससे, ए आई जे, एंड माइनर आप डिनोट करेंगे कैपिटल एम आई जे. किसी भी एलिमेंट का माइनर ए आई जे, एलिमेंट का माइनर एम आई जे होगा. देयरफॉर द माइनर ऑफ एन एलिमेंट, माइनर ऑफ एलिमेंट A I J is given by M I J denoted by M I J. ये निकाला कैसे जाता है? अभी सीख रहे हैं of order 2. सिंपल है, जिस भी एलिमेंट का माइनर निकाल रहे हैं वो किस रो और किस कॉलम में आ रहा है उसको डिलीट मार दीजिए, जो बचेगा वो माइनर है ऑर्डर 2 के केस में. सपोज माइनर ऑफ दिस एलिमेंट इज व्हाट, a 1 1, तो माइनर ऑफ एलिमेंट ए 1 1 किस रो में, फर्स्ट रो में, फर्स्ट रो को मैंने डिलीट मार दी, फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट कॉलम को डिलीट मार दी, जो बचा वो 4 माइनर होगा. तो माइनर ऑफ ए 1 1 इज डिवाइडेड बाय कैपिटल ए कैपिटल एम 1 1 एंड इट इज 4. माइनर ऑफ ए 1 2 कौन सी रो का, कौन से कॉलम का, फर्स्ट रो का है, फर्स्ट सेकंड कॉलम का, फर्स्ट रो डिलीट मार दी, सेकंड कॉलम डिलीट मार दी, क्या बचा मेरे पास 3. तो माइनर ऑफ ए 1 2 इज डिनोटेड बाय एम 1 2 एंड इट इज 3. सिमिलरली माइनर ऑफ ए 2 1 दैट इज एलिमेंट ऑफ सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, इट विल बी डिनोटेड बाय एम 2 1. कोई दिक्कत नहीं, ए की जगह कैपिटल एम, सेकंड रो को डिलीट मार दी, फर्स्ट कॉलम को डिलीट मार दिया, -1 मिल गया. ओके, आई माइनर ऑफ ए 2 2 सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो को डिलीट मार दी, सेकंड कॉलम को डिलीट मार दिया, बन गया 2 एंड इट इज डिनोटेड बाय एम 2 2 एंड इट इज 2. तो इस तरीके से हम किसी भी एलिमेंट का माइनर निकाल सकते हैं ऑफ ऑर्डर 2 डिटरमिनेंट का. ठीक है, ऑर्डर 3 का डिटरमिनेंट का भी ऐसे ही जैसे हम लोगों ने एक्सपेंशन में सीखा था, सिमिलर है. तो नेक्स्ट स्टेप में देख लेते हैं हाउ टू फाइंड द माइनर इन केस ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3. ओके, वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू फाइंड द माइनर ऑफ द एलिमेंट ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3. तो मैंने एक मैट्रिक्स ले रखी है ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, तो इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए will be 1 2 0 1 0 -1 0 1 -1. तो ये डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 है, तो इसका माइनर कैसे निकालते जाएंगे, याद रखिए रूल वही है, किसी भी एलिमेंट का माइनर निकालना है तो वो एलिमेंट जिस रो में उसको डिलीट मार दीजिए, जिस कॉलम में उसको डिलीट मार दीजिए, जो बच जाए माइनर निकल जाएगा. अब यहाँ पे ऑर्डर 3 में क्या है, माइनर ऑफ एलिमेंट ए 1 1 दैट इज एम 1 1 डिनोट से करेंगे. अब इस डिलीट मारते ए 1 1 इस ये ए 1 1 है, तो ये फर्स्ट रो था, फर्स्ट रो को डिलीट मार दिया और फर्स्ट कॉलम को डिलीट मार दिया, तो मेरे को एक डिटरमिनेंट बन गई, मिल गई ऑर्डर 2 की. ओके, 0 -1 1 -2. अब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लेंगे, ऑर्डर 2 की डिटरमिनेंट है तो सॉल्व हो जाएगी, सॉल्व करना सीखा कि डिटरमिनेंट वैल्यू, डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 निकालने की कैसे वैल्यू निकालते हैं, 0 × 2 = 0, -1 × -1 = -1, दैट इज 1. माइनर ऑफ एलिमेंट ए 1 2 ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का है, तो फर्स्ट रो को डिलीट मार दी, सेकंड कॉलम को डिलीट मार दिया, जो बच गया वो सेकंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट बच गया,
और सेकंड ऑर्डर की डिटरमिनेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं, माइनस टू जीरो दैट इज माइनस टू. सिमिलरली माइनर ऑफ ए वन थ्री दैट इज फर्स्ट वन, ए वन थ्री इज वन, रो फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को डिलीट मारा तो मेरे को एक ऑर्डर टू की डिटरमिनेंट मिल गई दैट इज वन जीरो एंड जीरो वन. सॉल्व करेंगे तो वन इंटू वन इज वन माइनस जीरो दैट इज वन. सिमिलरली आप किसी भी एलिमेंट का माइनर निकाल सकते हैं. आप निकालिए, मैं अब एक टू टू का कैसे निकालते हैं, अब उसको सेलेक्ट कीजिए, बाकी छह बचे हैं, छह में से एक निकाल के बता. सपोज माइनर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, लास्ट है सेकेंड रो को डिलीट मार दीजिए, ये मार दी मैंने डिलीट सेकेंड रो को, सेकेंड कॉलम को डिलीट मार दी, ये मैंने मार दिया सेकेंड कॉलम को डिलीट. अब जो बच गया वो मेरी सेकेंड ऑर्डर की डिटरमिनेंट में थे, तो वन जीरो जीरो माइनस टू. ओके सॉल्व कर लेते इसको, वन इंटू माइनस टू माइनस टू, जीरो इंटू जीरो जीरो दैट इज माइनस टू. किसी स्टूडेंट ने पूछा सर ए थ्री थ्री का निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, ए थ्री की का मतलब एलिमेंट ऑफ थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी सी गलती हो गई कोई दिक्कत नहीं. थर्ड रो ये नहीं, थर्ड रो डिलीट मार दिया, थर्ड कॉलम डिलीट मार दिया, तो ए थ्री थ्री क्या हुआ, ए थ्री थ्री एलिमेंट का माइनर निकाल रहे जिस रो में उसको डिलीट मार दी, जिस कॉलम में उसके साथ वो डिलीट मार दी. अब बच गया आपका, यहां से ले लेते हैं वन टू एंड वन जीरो वन जीरो. ओके तो अगेन वन इंटू जीरो इज जीरो माइनस वन इंटू टू टू दैट इज माइनस. तो इस प्रकार से हम माइनर ऑफ एलिमेंट ऑफ डिटरमिनेंट ऑर्डर थ्री का निकाल सकते हैं. बेसिकली डिटरमिनेंट इज अ यूनिक वैल्यू ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स. तो माइनर ऑफ एन एलिमेंट, अब एलिमेंट किसके डिटरमिनेंट के, डिटरमिनेंट के एलिमेंट का मतलब वो मैट्रिक्स के एलिमेंट हो गए. ओके माइनर ऑफ एन एलिमेंट इज डिनोटेड बाय, बस ये याद रखना, अगर एलिमेंट इफ एलिमेंट इज ए डिनोटेड बाय ए आई जे देन इट्स करस्पोंडिंग माइनर विल बी डिनोटेड बाय एम आई जे. ऑर्डर टू में कैसे निकालते हैं, ऑर्डर थ्री में कैसे निकालते हैं, एंड लास्ट टॉपिक विल बी हाउ टू फाइंड कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट. किसी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे, बस ये डिटरमिनेंट की बेसिक है और इसके बाद प्रॉपर्टीज है, फिर चैप्टर हमारा ओके इंटरेस्टिंग चैप्टर.